करने की मेथड पे बात करेंगे कि इसकी एक्चुअली मेथड कैसे होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखें कि इसके पर कॉन्सेप्ट का आइडिया हम कैसे रहे। मान लीजिए अपन ने कोई भी बॉडी उसकी यूनिट सरफेस से, जो यूनिट सरफेस है उससे कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है इसकी हम बात करना चाहेंगे। तो देखिए, मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर टी है, इससे यूनिट सरफेस से जो रेडिएशन निकली उसे हम ई से कर रहे हैं, और ई आपका होना चाहिए इसके टेम्परेचर की किसी न किसी पावर पर प्रोपोर्शनल होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटली अपन ने ये हमें यह मिला कि इसके फुल पावर पर ये डिपेंड कर रही है, और यहाँ पर इसमें हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सिग्मा, जिसे हम कहेंगे स्टीफंस कॉन्सेप्ट। तो देखिए, अगर कोई ई और टी इसमें ग्राफ प्लॉट करना चाहे, ई और टी इस तरह का ग्राफ करना चाहिए, तो सब उसमें कुछ वेरिएशन मिलना चाहिए, एक तरह नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। अब वो क्या कर सकता है कि इस तरह का ग्राफ मिला। तो देखिए, अगर हम इस इक्वेशन का लॉगरिथम लेते हैं तो डीवी बाई डीटी इतना मिलना चाहिए। पहला लॉगरिथम लेते हैं, हम कहते हैं कि एल एन ई ये होना चाहिए आपके पास एल एन सिग्मा प्लस फोर एल एन टी। अगर देखिए इसका वेरिएशन स्टडी कर रहा कोई भी, तो उसे मिलेगा वेरिएशन डेल्टा एल एन ई बाई डेल्टा एल एन टी। यह कॉन्सेप्ट है तो उसको सीधी ये पावर मिल जानी चाहिए कि पावर फोर आ जाना चाहिए। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली वो भी डिटरमिन तो कर सकता है कि यहाँ पर ये फोर पावर होनी चाहिए। एक बार अगर उसने पावर डिसाइड कर ली तो आगे उसे क्या करना है कि कॉन्सेप्ट किस तरह से इवेल्यूएट करे ये हम आपको बताते हैं। अगर इसी को दोबारा इसका वेरिएशन देखते हैं, वेरिएशन किस तरह से देखो कि डी ई बाई अगर आपके टी की पावर फोर ई फोर लिया ई और इधर लिया आपने टी के पावर फोर, अगर हमने ये लिया तो सीधा हमें कॉन्सेप्ट का वेरिएशन सीधा मिल जाना चाहिए। यदि एक्सपेरिमेंटली अगर हमारे पास ई और टी के डेटा अवेलेबल है तो हम क्या कर सकते हैं उसकी पावर भी डिसाइड कर सकते हैं और स्टीफन कॉन्सेप्ट भी डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपल एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, क्या करेंगे कि देखिए ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसमें दिया हमें यहाँ पर हमें डिफ्लेक्शन मेजरमेंट करने के लिए एक मीटर दिया हुआ है, इसके बाद में करंट वोल्टेज के लिए एक मीटर दिया हुआ है और करंट के लिए मीटर दिया हुआ है। अब देखिए अगर हम ये करते हैं, ये तो फॉर्मूला है जो आपको स्टेबल कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला एकदम डीप वाला भी एक्सप्लेन कर देंगे मैडम आइए। ये हमारे पास में स्टीफन कांस्टेंट का फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल्स टू एम एस अपॉन ए टी फोर माइनस टी टू फोर डी टी अपॉन डी टी। यहाँ पर एम हमारे पास में जो चक्ती है उसका द्रव्यमान है, एस के पदार्थ की विशिष्ट ऊर्जा है, ए पृष्ठ का क्षेत्रफल है, टी वन हमारे पास में है कृष्णिका का ताप और टी टू हमारे पास में है चक्ती का ताप, तथा जो यहाँ पर डी टी अपॉन डी टी है ये चक्ती के ताप में टाइम के साथ हमारा वेरिएशन है, और ये है वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन फोर। ओके, अब आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप को एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर हरीश कुमार सबलानिया। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, और इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप देखो कि जैसे ये क्या है कि स्टीफन कॉन्सेप्ट बाई सोलर सेल के द्वारा है, और यहाँ अपने पास क्या कि जैसे इससे क्या है कि इस पर अगर ये लाइट गिरती है तो इससे हम क्या है कि इससे डिफ्लेक्शन आता है, और इससे हम क्या कि इसमें थीटा में अपने वेरिएशन ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से अगर क्या करते हैं कि हम क्या कि इसमें जो ये है इसमें थीटा डिफ्लेक्शन लेते हैं, और ये हमारे पास के मिली वोल्ट और मिली एम्पियर हम के वी और आई में हम के रीडिंग लेते हैं। इससे जैसे हम क्या इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने पर जैसे ही ग्लो होने लगेगा उससे क्या इसमें क्या है कि इसकी ग्लो रेजिस्टेंसेस के हम क्या आर डी ज्ञात कर लेंगे, जो कि अपने पास के वी और आई में रीडिंग लेके हम कैलकुलेट करते हैं। आर डी क्या आएगा, वी डी अपॉन आई डी, जो ग्लो रेजिस्टेंस पे अपने पास आता है डिपर पॉइंट पर। इससे जैसे अपने पास क्या है अगर इसमें हम जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो हम क्या कि समय के साथ जैसे 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड इसमें समय के साथ क्या इसकी रीडिंग लेते जाते हैं। तो समय के साथ रहेगी इसकी रीडिंग किसमें रहेंगे हम, इसमें वी और आई और थीटा। जैसे कि हमारे पास की ये सारणी हमने देखी कि इसमें हमारे पास क्या वी और आई, जैसे हम इसमें से क्या वो बढ़ाते जाएंगे टाइम के साथ, तो V और I को हम रीडिंग लेते जाएंगे और थीटा डिफ्लेक्शन, ये तीन चीज हम इसमें से लेते जाएंगे। तो तीनों में सबके पास क्या होगा कि पहले हम कहेंगे V लेंगे, I और थीटा, तीनों हम इसके साथ लेते जाएंगे, फिर हमारे पास कहेंगे बाकी प्रोसेस क्या, हमारे पास कैलकुलेशन का बचता है। कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं कि हमें कहेंगे आर टी
कैलकुलेट करनी होती है। आर टी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि ये अपने पास वी अपॉन आई का अपने पास आएगा तो ये अपने पास आई क्या है आर टी आ जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या आएगा कि फिर हमने क्या कि जैसे फॉर्मूले में डी टी अपॉन टी है तो इसके लिए हमारे पास क्या जैसे टी और थीटा, तो टी हम क्या कहाँ से कैलकुलेट करें, अब अपने पास कर सकते थीटा तो हमारे पास है लेकिन कैपिटल टी जो टेम्परेचर है वो हम कहाँ से कैलकुलेट करें, वो हमारे पास एक फॉर्मूला है तो हमारे पास टी इक्वल टू टी डी आर टी अपॉन आर डी की पावर क्या है 0.833। इसमें हमारे पास क्या है कि टी डी अपने पास है डीपर टेम्परेचर है जो हम क्या है इसमें 800 केल्विन के लेते हैं इसके अंदर, और आर टी हमारे पास क्या है सारणी संख्या जो वी और आई में इसमें रीडिंग लेते हैं इससे हमारे पास वैल्यू आती है, और आर डी के पास जो डीपर रेजिस्टेंस है वो हमारे पास स्टार्टिंग जो मतलब अपने पास ग्लो होने लगता है इसी स्थिति का अपने पास के वी और आई को हम लेते हैं उसका अपने पास कहते हैं आर डी को वीडियो अपन आई डी देखते हैं, इससे हम कहते हैं प्रत्येक जो कि इसके लिए अपने पास कहते हैं इसकी कैलकुलेशन टी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्या है इसमें यहाँ अपने पास अगर एक्सपेंडिचर हम करते हैं तो इसकी रीडिंग लेने में हमें 5 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर इसकी कैलकुलेशन हम देखते हैं तो कैलकुलेशन इसकी काफ़ी लेंदी है, तो इसमें हम क्या करेंगे हमारे पास के लिए टी कैलकुलेट हो जाएगा और थीटा कैलकुलेट हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे टी और थीटा जब हम ग्राफ लेते हैं तो टी और थीटा ग्राफ हमारे पास है उससे हम क्या डी टी अपॉन डी थीटा उसका स्लोप ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसमें अपने पास के दूसरा हम किस में ग्राफ लेते हैं और थीटा और टाइम के साथ ग्राफ लेते हैं, थीटा और टी में हम जब ग्राफ लेंगे तो थीटा और टी को हमारे पास डी थीटा अपॉन डी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इन दोनों से अपने पास डी टी अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी, तो इससे हम क्या हमारे पास डी टी अपॉन dt याद कर लेते हैं, जो कि अपने पास में कि ये फॉर्मूला अपने पास सिग्मा है, सिग्मा के अंदर क्या ms अपॉन a ये जो फॉर्मूला अपना dt अपॉन t हमारे पास क्या कि ये जो वैल्यू है वो वैल्यू हम क्या इससे प्रोसेस से कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है और वो सारी वैल्यू अगर हम सिग्मा में इसके मान के रखते हैं तो वो हमारे पास इसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ जाती है, और इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हमारे पास जो इसकी स्टेपल कांस्टेंट या स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे हम क्या इसकी एरर परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ, अब आपको यहाँ पर दो तीन बातें बताएंगे, पहली बात तो बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि उसे टेम्परेचर मेजर करना था तो सीधा उसे थर्मामीटर से मेजर क्यों नहीं किया, इसका एक बेसिक सवाल क्या है, देखिए जो फिलामेंट रेडिएशन इमिट कर रहा है उसके पास आप थर्मामीटर ले जाकर डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, अदरवाइज क्या होगा कि आपका एक्सपेरिमेंट सेटअप उसी समय ब्लास्ट हो सकता है, ये टूट जाएगा बल्ब, इसके अंदर हम थर्मामीटर नहीं डाल सकते, बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये रेडिएशन इमिट कर रहा है, तो जो बॉडी रेडिएशन इमिट कर रही है आप डायरेक्ट उस पर थर्मामीटर नहीं लगा सकते, इसलिए हमने उसकी डायरेक्ट मेथड से हमने टेम्परेचर निकाला वी और आई से। दूसरी बात यहाँ पर ये देखें कि बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि छोटी क्लास में ये पढ़ा होगा कि जो रेजिस्टेंस है आर टी प्लस आर जीरो वन प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर उससे वो क्यों कैलकुलेट कर रहा है, इसमें उसे बेसिक एक दिक्कत आएगी, क्या होता है कि अल्फा और बीटा बहुत स्मॉल एंटिटी होती है तो वो क्या करेगा इसे एलिमिनेट कर देगा, इसके एलिमिनेशन के बाद में देखिए कर्व फिटिंग से आया हुआ फॉर्मूला है, एक एलिमिनेशन यानी एक अप्रोक्सीमेशन उसे यहाँ कर डाला, बीच में वो क्या बताएगा कि इनके अंदर लीनियर ग्राफ होना चाहिए, इसका मतलब जो नॉन लीनियर इफेक्ट जो रेजिस्टेंस में आ रहे थे उसे वो एलिमिनेट कर देगा, सही तरह से वो रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर पाएगा तो बिल्कुल उसका टेम्परेचर भी सही तरह से मेजर नहीं होगा, इस फॉर्मूले के अंदर हमने नॉन लीनियर इफेक्ट्स काउंट कर लिए हैं इसलिए इससे ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन उसे मिलेगी वो और इस कॉन्स्टेंट के अंदर उसे कम एरर मिलेगी। ओके, थैंक यू।